Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कॉन्ट्राबैंड पुलिस. तो इस गेम में हमारी एक बहुत खतरनाक बॉर्डर पे ड्यूटी लगी हुई है, जहां पर गाड़ियां दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आ रही है और हमें उन्हें बीच में रोक के उनकी गाड़ी चेक करके, उनके पेपर्स चेक करके उन्हें परमिशन देनी है कि तुम आगे जा सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है भाई दूसरी कंट्री से कोई टेररिस्ट या फिर स्मगलर अपनी कंट्री में ना आ जाए. तो ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ और आज का दिन मुझे काफी ज्यादा सुहाना लग रहा है. आज है सैटरडे, लास्ट नाइट इतना गलत मौसम हो गया था ना. एक तो ये जगह वैसे इतनी ज्यादा डेंजरस सी लगती है, चारों तरफ पहाड़ है, पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल है और भेड़ियों की आवाज यहाँ पर अलग आती है. फिलहाल ये स्पीकर से भाई पता नहीं क्या ही कमांड आते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आता. फिलहाल आज हेलो सर, गुड मॉर्निंग यहाँ पर. ओ भाई, कोई गाड़ी ही नहीं आई है भाई आज, मतलब अच्छी बात है, हमें ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट लेट्स डील विद आवर नॉटी बॉयज, एंटर द कस्टडी रूम एंड ट्रांसपोर्ट ऑल प्रिजनर्स टू द पुलिस व्हीकल. ओके, तो लास्ट टाइम गाइस हमने कुछ बंदों को ना यहाँ पर पकड़ा था, अभी मुझे याद आया. तो उन लोग को ना, ये देखो ये है कस्टडी रूम. मुझे अटेंडेंस तो नहीं लगानी ना, पता चला आज की मेरी सैलरी कट जाए कि हाँ भाई तुम आज ड्यूटी पर ही नहीं आए थे वैसे. हाँ, तो ये दोनों हैं वो लोग जिनको लास्ट टाइम मैंने पकड़ा था. ये लोग अपनी गाड़ी में फालतू के आइटम्स, वेपन्स और जितने भी स्मगलिंग वाले आइटम होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे. अभी मुझे इन्हें भेजना है अपनी पुलिस व्हीकल में जो कि सामने खड़ी हुई है. चलो सर फटाफट से पुलिस व्हीकल में निकलो, जल्दी जल्दी जल्दी, आज मुझे इन्हें जेल छोड़ कर आना है, उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे. बाकी आप भी चलोगे सर? गुड मॉर्निंग. पता नहीं क्या बोला इसने, चुपचाप में आवे ना बैठे रहे. ये क्या कर पूरे दिन तुम खाली बैठने के पैसे लेते हो ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी. प्रिजन मैनेजर भाई साहब, जब से देख रहा हूँ गेम में खाली बैठा हुआ है यहाँ पर. फिलहाल इधर काफी ज्यादा डेंजरस सा जंगल है यार. हाँ, तो वो रही मेरी प्रिजन व्हीकल, मुझे जल्दी से वहाँ पर चलना है और मेरे को खुद गाड़ी ड्राइव करके जाना है. मैं पहली बार इस गेम में गाड़ी ड्राइव करने वाला हूँ, काफी ज्यादा खुशी हो रही है मेरे को. ये गेट खुलता है कि नहीं? ओके, अरे भैंस की उल्टा क्यों खुल रहा भाई ये गेट, मतलब अलग ही हिसाब है भाई, मुंह पे आके भिड़ गया कस के. तो इसको भी बंद करते हैं हम लोग. ये रही अपनी व्हीकल जिसके अंदर वो टेररिस्ट नहीं प्रिजनर्स कहूँगा अभी तो, क्योंकि वो जेल में जाने वाले हैं. वो आ चुके हैं या फिर नहीं मैं देख लेता हूँ. ओके, दोनों आकर बैठ गए, चुपचाप बैठे रहो यहीं पर, भागने की कोशिश करी ना बेटा, मेरे पास वेपन्स तो है ना. हाँ, ये एक सेकंड रुक जाओ, इसके कारण मैं बजा दूँ, लास्ट टाइम भी मैंने इनके बजाए थे बेटा. ये घुसेड़ दूंगा. हैं, उल्टा कैसे बोल रहे तू, मार उसको ना, किलस उसकी रही है. फिलहाल इनको मैंने रख दिया है. अभी क्या करना है, मूव कॉन्ट्राबैंड डायरेक्टली फ्रॉम. ओके, तो जो भी मेरे को इनसे सामान बरामद हुआ था ना, वो मेरे को अपने ट्रक में लाके रखना है. ओके, वो सारा सामान ना गाइस मैंने अपनी स्टोरेज में रख दिया था, फटाफट से हम लोग वहाँ से लेकर आते हैं. मेरे पास काफ़ी बढ़िया बढ़िया वेपन्स है, अगर इन लोगों ने मेरे को मारने की हरकत करी तो इनकी मैं बैंड बजा दूंगा. ओके, तो फिलहाल मेरा जो लॉकर है वो अंदर है, वहाँ से मुझे सारा सामान मूव कराना है. तो इसी के अंदर मैंने सारा सामान रखा हुआ था ना. हाँ, तो यहाँ पर है लिस्ट, इसको मैं खोलता हूँ. ये है वो सारा का सारा सामान जो कि स्टोरेज में तो है ना. पहले मुझे इसे अपनी इन्वेंट्री में डालना है, अभी मुझे जाना है इसे उस ट्रक में रखवाने के लिए. भाई कसम से ये लोग अपनी गाड़ी में बहुत सारा गलत गलत सामान, इतने तगड़े तगड़े वेपन्स लेकर जा रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ. फिलहाल अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये जो काम है मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वापस आके रहा है अपनी ड्यूटी भी तो करनी है. यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है तो कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ रही, पर शाम होते यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह आएगी, उन्हें हमको चेक करना है. सर चुपचाप तू बैठे रहे यहाँ से, ठीक है ना. ओ भाई, इसको अगर मैं जेल तक पहुँचाऊंगा तो मुझे $434 मिलेंगे और इसको पहुँचाऊंगा तो $195. भाई साहब मजे आने वाले, बहुत गलत वाले. हाँ, तो मुझे यहाँ पर रखना है सारा सामान, कैसे रखूँ मैं. ओके, तो ये है चेक स्टोरेज, यहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें मूव करवानी है इस ट्रक में. ओके, तो ट्रक पूरा भर चुका है भाई, इतना सामान तो था भी नहीं जितना इसमें भर गया है. ओके सर, मैं निकलता हूँ, आप भी चलोगे क्या साथ? वैसे शायद से मुझे खुद ही ड्राइव करके जाना है. ट्रक में रेडियो वीडियो एकदम मस्त बज रहा है, पहले मैं अंदर बैठ जाऊँ फिर उसके बाद गाड़ी आराम से ऑन वॉन कर लूंगा. गेट बंद करा मैंने, रेडियो कहाँ बज रहा है? चुप हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? फिर भी चुप नहीं हो. ओके, तो मैंने अभी इसे बंद कर दिया. खाली पीली पता नहीं कौन कमांड दिए जा रहा है, सायरन ऑन कर देते हैं क्योंकि अपनी गाड़ी में प्रिजनर्स बैठे हुए हैं. और यहाँ पर गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, लाइट्स भी ऑन कर देता हूँ. अबे गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, सब हो गया, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही. ओके, तो सबसे पहले मुझे मार्क करना पड़ेगा कि आखिरकार जाना कहाँ पर है. खाली पीली गाड़ी थोड़ी स्टार्ट कर लेंगे. तो ये है रास्ता, मैं हूँ बॉर्डर पोस्ट पे, मुझे ये रास्ते से जाना है सीधा लेबर कैंप. ओके, दरअसल लेबर कैंप ही प्रिजन है. फटाफट से गाइस हम लोग इनको वहां पर लेकर चलते हैं, अभी जो अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी. लेट्स गो, ट्रक स्टार्ट हो चुका है भाई अपना, आराम से मैंने चलाता हूँ. पीछे वाला गेट तो लॉक था ना, पता चला है प्रिजनर्स कूद के भाग जाए. वैसे मुझे यहाँ से कोई नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं, चलो छोड़ो अपना, बैठे ही होंगे वो. मैं सही तो जा रहा हूँ ना यार, एक मिनट, नहीं गलत चले जाता अभी मैं. मुझे यहाँ से अपनी गाड़ी मोड़नी है, एकदम सीधा जाना है. फिलहाल सामने से एक ट्रक आ रहा है और ये फौजियों का. अबे अबे भाई, वो क्या ड्राइव कर रहा है,
झटके से उसने अपनी गाड़ी राइट मोड़ दी। यहाँ से सीधा लेता हूँ भाई, अलग ही मजा आ रहा है भाई यहाँ पे ड्राइव करने में। तो सोचो यार कैसी जगह पर, एक सेकंड भैंस की टंगी से बंद करो, उधम मचा रखा भाई, चुपचाप लेकर जाएंगे भाई, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है इतनी ज्यादा। ओके गाइस, अभी फिलहाल तुम्हारा भाई इस वैन को कसम से बहुत ज्यादा तेज स्पीड में चला रहा है, और एक सेकंड, हेलो ये पेड़ गिरा हुआ इधर, और ये क्या है भाई, एक सेकंड। ओके शायद से ये जो पेड़ गिरा हुआ है ना, इसको मैं अपनी एक्स से रिमूव कर सकता हूँ, मैं अपनी एक्स यहाँ पर निकालता हूँ, ये पेड़ मुझे यहाँ से काट के हटाना पड़ेगा। तू इतना बड़ा ट्रक लेकर आए, वापस ही चला गया भाई, वो टक्कर वक्कर मार के साइड करना इसे, रुक जाओ अभी मुझे इसे ना यहाँ से काटना पड़ेगा भाई, माइनक्राफ्ट थोड़ी है यार, रुक जाओ कि मैंने इसे काटा, ये पेड़ यहाँ से हट चुका है, लेट्स गो। अभी मैं अपने ट्रक के अंदर बैठता हूँ भाई, मतलब जंगलों के बीच में रहने का यही सीन रहता भाई, कभी भी कुछ भी यहाँ पर होता रहता है। गाड़ी हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो, अभी इसे लेकर चलते हैं भाई फटाफट से। और ये जो चीज़ है भाई, ये कैसे हिल रही है भाई, एक मिनट, मेरे को जाना किधर था, शायद मेरे को यहाँ से सीधे ही जाना है। वैसे गाइस इन दोनों की ना बहुत गलत वाली कुटाई होने वाली है इस प्रिजन में, क्योंकि यार ये सच्ची में बहुत बड़े स्मगलर्स थे। अभी फटाफट से गाइस हमें अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलना है। ओके दिस इज द प्लेस, स्टॉप नेक्स्ट टू द गेट एंड गिव ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट ऑल प्रिजनर्स, देन गेट बैक टू द व्हीकल। ओके सबसे पहले मुझे व्हीकल से बाहर निकलना है, ऑर्डर किसे देना है यार इन प्रिजनर्स को अंदर ले जाने का, मुझे अच्छा इनको खुद बोलना है। रुक जाओ, मैं सोच रहा था इसको बोलना पड़ेगा, भाई साहब ऊपर ही खड़े हो आप, कुछ काम वाम कर लो, बंदे की गाड़ी है ना, तुमने अभी तक गेट खोला ना कुछ करा है, चलो चल फटाफट से निकल, मेरे $195 मिल जाएंगे, सैंड टू लेबर कैंप, बाय 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 ब्रो। चलो दो बंदे जा चुके हैं, अपना काम तो हो गया, अभी मुझे इस गाड़ी को लेकर वापस कहां पर जाना है मैं पहले एक बार ही देखता हूं। नेक्स्ट विजिट टू व्लाडोस शॉप टू बाय सम टूल्स, रिमेम्बर नो टूल्स नो कॉन्ट्राबैंड। ओके अभी हम लोग कुछ अलग काम करने वाले हैं भाई, वसूली वसूली, एक सेकंड यार मुझे ना एक काम करना है, मुझे पता नहीं है वो हो पाएगा या फिर नहीं, ये शीशा ना काफी ज्यादा गंदा है, मैं सोच रहा हूँ इसको तोड़ दूँ, वो टूट भी गया भाई, अभी हमें थोड़ा बहुत क्लियर नजर आएगा भाई, गद्दी पे शीशा गिरा हुआ था, मैं उसी पे आके बैठ गया। ओके लेट्स स्टार्ट इंजन, फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी मोड़ते हैं, और अभी देखो एकदम क्लियर व्यू आ रहा है ना भाई, शीशा इतना पुराने जमाने का गंदा सा लगा रखा था, मैं क्या बताऊं, और मैं शायद से गलत जा रहा हूं, एक मिनट पहले ना गाइस मैं एक बारी मैप में देख लेता हूं आखिर मुझे जाना कहां है। व्लाडोस कैंप पे जाने के लिए मुझे अपने ट्रक को यहां से, अरे भाई साहब अंधा, इसकी ऐसी की तैसी गाड़ी से बाहर निकलो, मैं तेरी भैंस किसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे ठोका कैसे भाई, मैं चुपचाप से अपनी गाड़ी बीच में मोड़ रहा था, ये बंदा पिटेगा बेटा, इसकी आगे वाला टायर भी इसका पंचर है बेटा, तू पुलिस वाले की गाड़ी ठोकता है ना, रुक जा, ओ तेरी, उसने और गंदी वाली ठोकी, अब तो मैं इसे और मारूंगा, हथियार निकालो भाई, तूने गाड़ी ठोकी कैसे, रुक जा किससे मारू तेरे को, भैंस की गाड़ी ठोकेगा मेरी, तू गेट गेट निकाल, निकाल गेट निकाल, इसको इसकी ऐसे की तरह गेट तोड़ दू, ओ वापिस कैसे तेरी, वापिस कैसे बंद कर गेट, बेटा मुंह पे मार दूंगा भाई, इसके बोते लगी कि टायर पंचर करो भाई, मेरे पैसे कट रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा, बट यार बदला लेना जरूरी है भाई, इसने गाड़ी ठोकी कैसे, मैं चुपचाप से गाड़ी रोक के भाई मैप देख रहा हूँ, एक तो मैं प्रिजनर्स को ला के जेल में डाल रहा हूँ, ऊपर से इनको ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है, क्या ले जा रहा तू कुछ, अच्छा सीमेंट वीमेंट ले जा रहा है, बढ़िया बंदा है, क्या पता अपने काम के लिए ही जा रहा हूँ, मैंने बेमतलब इसे मार दिया, बेटे निकल जा चुपचाप से, लाइसेंस में चेक नहीं कर सकता क्योंकि इस टाइम पर मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, तू वापस कैसे बंद कर रहा है गेट, ओ मेरा हथियार ही टूट गया भाई, रुक जाओ इसकी साढ़े बहुत मारूंगा, अगली बार मिल गया तो ठीक है ना भाई, बहुत गंदी तरह इसने मेरी गाड़ी ठोकी यार, कसम से गंदे वाला मारता है इसको, पर ये बच गया, और ये इंजन क्यों खोल रहा हूँ मैं। ओके फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते, कुछ ज्यादा मार दिया मेरे हिसाब से मैंने उस बंदे को भाई, उसकी आंख में मैंने वो ट्राइडेंट टाइप कुछ तो चीज थी वो मारी है, और अभी ठुकना नहीं चाहिए ठीक है ना, दो मिनट रुक जाओ मेरे, अब देखो कितनी तमीज में चला रहा है, चारों पंचर कर दिया मैंने भाई, पीछे ट्रैफिक लग गया गंदे वाला, चुपचाप से मैं निकल लेता हूँ, आगे से एक कच्चा रास्ता है, वहां से मुझे अपने ट्रक को मीन्स इस वैन को लेफ्ट मोड़ना है, और हम लोग पहुंच जाएंगे। वैसे मौसम काफी ज्यादा बढ़िया हो रहा है यार, अभी मेरे $10-15 कट गए यार उस बंदे को मारने गए, मेरे क्या ही बोले, उस बंदे को मारने के पैसे नहीं कटे शायद से, वो जो मैंने उसको, ओ हेलो भाई साहब रास्ता क्यों बंद कर रखा है ये वाला, मैं फिर जाऊंगा कहाँ से यार, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, अरे यार मैं इधर से नहीं जा पाऊंगा, चलो आगे से कट लेते हैं, वहां से चलकर हम लोग देखते हैं। ओके तो फिलहाल उस जगह के लिए ना आगे से एक रास्ता और जाता है, मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना है, और अगर ये वाला रास्ता बंद हुआ ना तो मुझे नहीं मालूम मुझे किधर से जाना चाहिए, भाई साहब बहुत गंदी वाली ठुकी है इस बारी तो गाड़ी, और ये रास्ता सच्ची में काफी ज्यादा कच्चा है भाई, शेर वेर तो नहीं है ना जंगल में, भाई देखो इस जगह पे शेर हो ना हो बट मेरे हिसाब से यहाँ पर भेड़िया जरूर होंगे, बट दिन के टाइम पर मेरे हिसाब से उतना ज्यादा हमें खतरा नहीं है, तो मुझे यहीं पर आना है। सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी को ना कहीं साइड में पार्क लगा देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ के ड्राइवर ना बहुत ही ज्यादा बेकार है, कुछ पता नहीं है भाई कब मैं यहाँ के ठोक जाए,
फटाफट से मैं यहाँ से उतरता हूँ बाहर, मुझे इसकी दुकान से जाकर अपने लिए कुछ टूल्स वगैरह खरीदने हैं जो कि काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। हेलो सर, कैसे हो? आपके पास कौन कौन से टूल हैं? यही है व्लाडो मर्चेंट, इससे भी हम लोग बात करते हैं। डू यू हैव सम टू ट्रेड? अच्छा, मुझे इससे ट्रेड करना? हाँ, मेरा ये टूट गया था। $100 भाई साहब, दे दे चल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ये ले लेता हूँ और एक ये नाइट स्टिक ले लेते हैं, ये भी काम आने वाली है। एक हैमर नहीं काम आएगा, नाइफ मेरे काम आने वाला है। नाइफ मैं ले लेता हूँ जो कि सच्ची में काफी ज्यादा काम का है। एक ये पिच फॉक ले लेता हूँ, ये भी थोड़ी बहुत काम आ जाएगी। सर थैंक यू, बहुत हो गया, मुझे इससे ज्यादा सामान नहीं खरीदना वरना मैं गरीब हो जाऊंगा। $269 मेरे पास बचे हुए हैं जो कि मुझे संभाल के रखने हैं। योर लास्ट स्टॉप पुलिस बेस, दिस इज वेयर यू विल पास द कॉन्ट्रबैंड। ओके, अब देखो दोनों प्रिजनर्स को तो हमने वहां पर छोड़ दिया है, अब हमें जाना है पुलिस बेस पे जहां पर जितना भी सामान हमें बरामद हुआ है ना उन दोनों स्मगलर से, वो हमें वहां पर जाके रखवाना है जो हमने ट्रक में सारा लोड कर रखा है। फटाफट से अपने ट्रक को मैं यहाँ से मोड़ता हूँ और ये ट्रक ड्राइवर फिर यहाँ पहुंच गया। भाई ये पक्का वही वाला, देखो इसके चारों टायर पंचर थे भाई, ये पूरे में घूम रहा है, शिकायत में लगा दी पुलिस बेस में जाके। पता चला मैं वहां पर सामान रखने जा रहा हूँ, उल्टा वो लोग मेरे को ही पकड़ लें। फिलहाल वो ऊपर है पुलिस बेस, मुझे इस ये वाला रास्ता यार बंद है, मैं कहाँ से जाऊँ? इधर से कच्चा रास्ता खुला हुआ है। अब ऐसा ना हो कि ओ तेरी भाई मेरी गाड़ी टूट जाएगी वहां तक पहुंचते पहुंचते कसम से। वैसे भी ये मेरी गाड़ी थोड़ी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है इसको, तो भाई साहब 500 की स्पीड में चलाऊंगा इसकी ऐसी की तैसी। ओ राइट मोड़ना यहाँ से, सॉरी सॉरी। ओ भाई भाई भाई, अच्छा रास्ता था ही नहीं, मैं काली पीली परेशान हो रहा था। हाँ तो गाइस इस वाले कट से मुझे अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है। यार कसम से एक कार दे देते ना बहुत ज्यादा बढ़िया रहता, बट सीधी सी बात है हमें सामान वामान भी ले जाना है तो वो कार में ले जाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक ट्रक या वैन ही चलती है, इसीलिए हमें एक कचड़ा सी वैन दी गई है। बाकी अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं पुलिस बेस पे, सामने से वो जो वैन आ रही है ना वहीं से मुझे अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है। सायरन ऑन कर देता हूँ ताकि इनको ये ना लगे कि भाई मैं फालतू में ड्यूटी कर रहा हूँ। पता चला चालान काट लेगी, भाई तुम सरकारी गाड़ी चला रहे हो, सायरन भी ऑन नहीं है। ओके फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ पुलिस बेस, दो कोड़ी का कचड़ा सा लग रहा है, जरा सा है नहीं, बंद करो इस कुछ कह रहा है, वैसे लैंग्वेज तो मेरे को समझ नहीं आ रही बट फिर भी सुन लेते हैं, इससे बात करनी है। ठीक है ना, फीकर ओके 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 रुक जाओ। ओके तो पहले मैं अपनी गाड़ी का गेट बंद करता हूँ और यहाँ से सारा सामान मैं निकाल के अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ, निकल जाएगा ना। ओके ये मैंने निकाला सारा सामान, डाला अपनी इन्वेंट्री में, कुछ कुछ चीज़ें रह गई है वो मैं अपने ट्रक में रखवा देता हूँ, इसे मैं बाद में यहाँ से ले लूँगा। फिलहाल ये सब मैं मूव कराता हूँ उधर, अरे यार तुम इधर आओ। तो ये दो चीज़ें और रह गई थी, इतना सारा स्मगलिंग वाला आइटम वो लोग लेकर घूम रहे थे। अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं सारा सामान उसको देने के लिए। लो सर इसे अंदर ले जाके आप लोग इस्तेमाल करो। मजाक कर रहा हूँ, इसको भी मैंने दे दिया। ओ भाई $1839 हमें मिल चुके हैं भाई साहब, आज तो मजे आ गए भाई ड्यूटी करके। मैं अंदर जाके सर देख सकता हूँ कि कैसा है अपना पुलिस बेस? भाई पूरा बंद कर रखा है यार, एटलीस्ट मेरे को तो जाने दो, मैं पुलिस वालों का आदमी हूँ। ओके गाइस अभी फिलहाल ये काम तो हम लोगों ने कर दिया है, फटाफट से अभी हम लोग चलते हैं बॉर्डर पोस्ट पे क्योंकि भाई वहाँ पर हमें गाड़ियाँ भी तो चेक करनी है। इंजन स्टार्ट में करता हूँ, एक बार मैप देख लेता हूँ भाई मेरे को, वैसे एकदम सीधा जाना है यहाँ से। मैं पहले अपने ट्रक को ना मोड़ लेता हूँ, पीछे किसी की गाड़ी, यार इधर कोई मिरर विरर नहीं है क्या जिससे मैं पीछे देख पाऊँ? मतलब पीछे कोई गाड़ी आगे खड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता, ठुक जाती है सीधा। तो ये है मैप, मुझे यहाँ से एकदम सीधा सीधा जाना है, बिल्कुल ब्रेक तक नहीं देनी। इसकी भैंस की टांगे ट्रक वाला फिर यहाँ पर आ गया, मैं क्या पिट के जाएगा क्या भाई? मैं जहाँ से भी निकल रहा हूँ ये ट्रक वाला वहीं से घूम के आ रहा है, कहीं ये पुलिस पोस्ट पे तो नहीं जा रहा भाई शिकायत लगाने के लिए कि इस पुलिस वाले ने मुझे बीच रास्ते में पकड़ के कूटा था। इसको मैं दोबारा मारूंगा रोक के अगर अभी मेरे को तीसरी बार दिख गया। फिलहाल अभी हम लोग बॉर्डर पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, यही है ना बॉर्डर पोस्ट, मुझे अपनी गाड़ी पार्क कहाँ करनी है? वैसे बॉर्डर पोस्ट यही लग रहा है मेरे को। ओके मैं गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दे रहा हूँ, सर आप लगा देना, ऐसे मेरे पास आपको पता है यार टाइम नहीं है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है भाई मेरी, तो अपना गाड़ी सेट वेट करते रहना, मैं यहाँ से निकलता हूँ फटाफट से। गाइस अभी हमें कहाँ जाना है? शायद अभी ना चल के मुझे सोना है सबसे पहले, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं आई है, शायद से बॉर्डर वालों ने पूरा टर्मिनल बंद कर रखा है क्या उधर से, पता नहीं क्या सीन होगा। फटाफट से अभी हम लोग चल के सोते हैं। तो ओके गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है, हम लोग सोकर उठ चुके हैं और आज है संडे, देखते हैं गाइस आज हमें क्या क्या काम करना है। फिलहाल मुझे कोई भी गाड़ी, ओ नहीं एक ट्रक आता हुआ नजर आ रहा है। ओ भाई साहब आज तो काफी ज्यादा बड़ा ट्रक आया है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे, बट सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्या करना है? ओके आज भी कोई ना कोई लग रहा है स्मगलर पकड़ा गया। द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड, फूड। ओके तो अगर आज मुझे किसी की भी गाड़ी में से फूड मिलता है ना तो मुझे गाइस उसको यहाँ से वापस भेज देना है। फिलहाल दो दो ट्रक आ गए हैं मेरे हिसाब से, इसमें से किसी ना किसी एक गाड़ी में तो फूड हो गई। फिलहाल एक न्यूज पेपर आया है, पता नहीं यार उसमें क्या लिखा हुआ है, चलो चलो निकलो इसे मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी टाइम नहीं है, गाड़ियां खड़ी हुई है, इधर जाम लग जाएगा, मेरे काम पे ज्यादा लोड पड़ जाएगा जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। चलो भाई एक बंदा आ जाओ फटाफट से, दो मत आ जाना बेटा। अबे ये तो वही है, नहीं 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 ये बंदा अलग है भाई, उसकी गाड़ी में चार टायर थे, इसकी गाड़ी में कुछ ज्यादा टायर है, सारे टायर पंचर है।
गधा है क्या बे? All travelers transporting cargo must have a valid transport document. Let's ask him for the papers. Okay. फर पेपर दिखाओ फटाफट से. ओके ओके ओके, पता नहीं क्या बोल गया इतनी सी देर में ही वो. अभी मेरे पास पेपर्स मिल चुके हैं, चेक करता हूँ इसके पेपर. मैप मैं अपना अंदर रख लेता हूँ, मैप का काम हो चुका है. ओके, तो ये देखो, ये है कार्गो लिस्ट. सबसे पहले तो ना मैं इसका नाम चेक कर लेता हूँ एकदम ठीक है या फिर नहीं है. ओके, तो नाम इसका ठीक है. उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ इसकी गाड़ी में, मीन्स इसके ट्रक में आखिरकार वेट कितना है. इसकी गाड़ी में मैक्स वेट होना चाहिए 27250, बट अभी हम लोग चेक करके देखते हैं इसकी गाड़ी का टोटल वेट. ओके, तो वेट कम ही है, मैक्स 7250 होना चाहिए इसका, अराउंड 5500 है, तो वो तो चलो ठीक है. बाकी और इसकी गाड़ी में दिक्कत है, देखो भाई, पहली बात तो एक टायर, दो टायर, भाई साहब एकदम ही गरीब आदमी है के. ये तो ठीक है, तीन टायर मेरे हिसाब से नहीं, चौथा भी लग रहा है या फिर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा. हाँ तो समझ लो चार टायर इसके पंचर हैं, और ग्लासेस व्लासेस एकदम ठीक है, लाइट्स एकदम प्रॉपर है, साइड मिरर्स प्रॉपर है, पीछे सब कुछ गाड़ी में एकदम ओके है. सीमेंट वगैरह ये सब भर के ले जा रहा है. मैं इसे खोल के ना अंदर भी चल के देख सकता हूँ शायद से. यहाँ पर इसका सीमेंट है, काफ़ी सारा बढ़िया बढ़िया सामान इसने रखा हुआ है. शायद से किसी के हाउस की शिफ्टिंग कर रहा है भाई. ये कौन ले जाता है यार, चलो कोई नहीं, मतलब ले जा रहा है ठीक है, वो भी सेकंड हैंड है भाई. रुक जाओ, मैं इससे बात करता हूँ पहले. पहले इसकी ना रसीद हम लोग बना देते हैं, लंबा चालान जाने वाला है क्योंकि इसका. सबसे पहले तो देखो भाई इसके जितने भी टायर्स हैं, चार टायर देख लो इसके टूटे हुए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया है. बाकी तो यार इसकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं थी ना, खाली पीली लंबा चालान थोड़ी बनाना है. यहाँ पर इसकी गाड़ी में टॉयलेट एक ठीक है, हाँ, और सीमेंट 17 था, मैंने चेक नहीं करा. तो गाइस मुझे ना कार्गो नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, जितना भी सामान लेकर जा रहा है उसको अच्छे से चेक करने के लिए. फटाफट से भी हम लोग चलकर देखते हैं कि आखिरकार इस ये क्या क्या सामान यहाँ पर ले जा रहा है. तो ये है मेरी कार्गो नोटबुक. तो अभी ना फटाफट से हम लोग चल कर ना एक बार सही से काउंट कर लेते हैं जो जो सामान है वो एकदम परफेक्ट है या फिर नहीं है. तो सीमेंट की जो इसके पास ये थी वो एकदम परफेक्ट है. यहाँ पर 17 कितनी, 3 हो गई. इधर कितनी है ये भी अच्छे से मैं चेक कर लेता हूँ. ये भी हो गई, यहाँ पर इसको भी हम लोग चेक करते हैं. ओके, कितनी हो चुकी है यहाँ पर, 8 काउंट हो चुकी है. ये वाली 10 सीमेंट से यहाँ पर काउंट हो चुकी है. और भी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जो जो काउंट नहीं हुई है. ये भी हो गई, ये भी एकदम ओके है, ये वाली भी हो गई, एंड एक ये वाली हो गई है. और जितनी भी चीज़ें ना सारी मैं काउंट कर लेता हूँ, अभी अच्छे से हमें पता चल जाएगा. ये भी हो गया, ये भी हो गया. ओके, एक ये बैरल हो रहा है. अभी हम लोग अच्छे से चेक करते हैं कि सब कुछ है या फिर नहीं है. एक पेट्रोल बैरल, एक सॉप, एक टॉयलेट, 2 रेफ्रिजरेटर, 3 गैस रेंज और 17 सीमेंट. ओके ब्रो, तू जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अभी हम लोग इस लिस्ट को नहीं, इसको भी हम लोग सीधा ना एक्सेस कर देते हैं जाने का. जो इसका चालान था वो मैंने काट ही लिया है. बाकी सर आप जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पेपर्स भी क्योंकि आपके एकदम ओके है. गाली बकरा क्या भैंस की, क्या क्या बोल रहा है ये. अभी इसका गेट, मैंने इसका गेट खोल दिया, पूरी गाड़ी का शीशा बंद कर रहा है. वाओ, चलो भाई आ जाओ, दूसरा बंदा आ जाओ. यहाँ पर इसको मिटा दिया क्या? ओके, हाँ मिट चुका है, ठीक है. और भाई साहब पूरे पेपर से एकदम क्लियर थे, पैसा हमारा बिल्कुल नहीं कटा है. सर फटाफट से आओ. ओल्ले भाई, इसका तो आते ही चलान कटने वाला है. गाड़ी का जो मेन विंडो है, मतलब फ्रंट वाला जो विंगशिप, वो ही टूटी हुई है. आ जा, दो ग्लास टूटे हैं, ये वाला भी टूटा हुआ है, ये वाला भी टूटा हुआ है, दो ये हो गए. और कार्गो लिस्ट मैं बाद में चेक करूंगा, पहले जो नॉर्मल चीजें हैं वो चेक कर लेते हैं. दो चीज तो इसकी टूटी हुई है जिसका इसका चालान बनता है. सबसे पहले सर आप अपने पेपर दिखाओ. पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये इस बॉर्डर को पास करके जा सकता है या फिर नहीं, जो कि डिसाइड करेंगे इसके पेपर्स. अरे ला देना, हाथ नीचे कर ले, थप्पड़ इसकी भैंस की. गेट खोल, तू बाहर निकल, गाड़ी से बाहर आ जा. दिमाग में चार चुपचाप बैठे रहे अभी, वरना ऑप्शन नहीं आ रहा, कर देता बाहर. ओके, सबसे पहले हम लोग इसके पेपर्स चेक करते हैं. ओ भाई साहब, इसके पास तो एंट्री परमिट भी है. तो लाओ भाई, नाम चेक कराओ एंट्री परमिट का, एकदम ठीक है. और व्हीकल कार्ड पे भी नाम इसका एकदम मेरे को ओके लग रहा है. और ये अपनी गाड़ी में, भाई पहली बात तो ये फूड ले जा रहा है, एप्पल क्रेट है और एप्पल एक फूड है. तो पहली बात तो ये यहाँ से वापस जाएगा, क्योंकि आज साफ साफ नोटिस आ चुका है ऊपर से, उन्होंने बोला है जो भी फूड ले जाएगा वो वापस करो उसे. और एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ इसका ये जो है वैलिड है या फिर नहीं. ओके, मैच हो रहा है, मतलब सब कुछ ओके है, पेपर्स इसके ओके हैं. बट सीधी सी बात है, अपने ट्रक में फूड ले जा रहा है. और गाड़ी का चालान मैं इसका थोड़ा सा बना देता हूँ, अपने भी तो भाई कुछ पैसे बनेंगे ना. तो यहाँ पर ये खोलो, इसकी गाड़ी के दो शीशे टूटे, बाकी लाइट्स मैंने चेक नहीं करी. एक बारी मैं पहले ना लाइट्स भी चेक कर लेता हूँ. ये देखो भाई, सही है, मैंने चेक कर ली, एक लाइट भी टूटी है. इसका भी चालान बनेगा, वरना अभी वो मेरी सैलरी में से कट जाता. तो दो चीज़ें इसकी ख़राब है. पीछे भी होता है क्या ये ट्रक में, पता नहीं यार, मेरे को अच्छे से याद नहीं. ला यार तू इतना ही दे दे, वही बहुत है. तो इसकी गाड़ी की दो विंडो टूटी है एंड एक लाइट टूटी है. लाइट ये रही, एक है ब्रोकन लाइट बस, बाकी सब कुछ एकदम ओके है. बाकी अपनी गाड़ी में फूड ले जा रहा है, तो मेरे को फूड शायद से लिखने की जरूरत नहीं है. हम लोग सीधे इसको रिजेक्ट कर देते हैं, वही मेरे सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि साफ बोला है जो फूड ले जा रहा है उसे रिजेक्ट करो. बट हाँ यार, फिर भी एक बारी मैं कार्गो लिस्ट ना चेक कर लेता हूँ, जो कि यार सच्ची में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं लिखूंगा ना भाई इसके पास कितना फूड था या कितना नहीं था. तो अभी हम लोग अपनी कार्गो लिस्ट निकालते हैं.
और यहाँ पर ना लिखना शुरू कर देते हैं फटाफट से क्या क्या ये लेकर जा रहा है। फूड कहाँ पर है वैसे भाई, दिख नहीं रहा, खाली पीली पता चला कैंसिल हो जाए इसका जाना। अच्छा भाई ये रहना, इतना सारा फूड ये लेकर जा रहा है, बाकी तो सब कुछ एकदम हो गया है। सब कुछ गाइस मैंने एकदम बढ़िया तरीके से लिख दिया है, कुछ रहा तो नहीं रहना भाई। अच्छा तो मुझे इसे अनपैक करके भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर इसे भी खोलो, इसे भी खोलो, इसे भी खोलो, यहाँ पर सारे अनपैक हो गए। कि सारा फूड हमें खुद रखना है क्या भाई, पूरा अनपैक ही हुए जा रहा है ये तो। ये भी अनपैक, ये भी अनपैक, ये तो सारा अपने पास आ जाएगा यार। ओके ओके दैट इट, ऑल कार्गो इज सेट ऑन द टेबल, नाउ यू कैन काउंट इट और सर्च फॉर कॉन्ट्राबैंड। ओ भाई इसके अंदर कुछ गलत आइटम भी था क्या, एक सेकंड रुक जाओ चेक करते हैं। ओके तो यहाँ पर ये सारे मैंने एकदम अच्छे से चेक कर लिए हैं, ये रह रहा है, इसको भी अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, हो गया। ओके तो फटाफट से अभी हम लोग जोन गार्ड को बोलते हैं, चलो ये बुड्ढे फटाफट से, बुड्ढा नहीं है वैसे है तो जवानी, इसको सारा उसकी गाड़ी में रखवा दे। यार इसका काम कितना आसान है, खड़े खड़े एक सेकंड में भाई सारा सामान वापस भी रखवा देता है। हो गया इसको बंद करो, चलो चल निकल यहाँ से, वैसे भी तू वापस जाने वाला है, फूड नहीं अलाउड है, ठीक है ना। अभी इसको भी हम लोग यहाँ से पहले भेजते हैं वापस। सब कुछ एकदम मैंने कर दिया ना भाई, पता चला मेरी सैलरी में से कट रहा है भाई पैसा, इसको मैंने एंट्री इसकी डिनाई कर दी। बेटा खाना नहीं ले जाना आज, निकालो अपने ट्रक को वापस, जल्दी 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 जल्दी। इसका पीछे वाला गेट खोल देता हूँ जाते जाते। ओ भाई थोड़ी तेज चला रहा है, कोई नहीं बेटा वापसी में खोलूंगा तेरा पीछे वाला गेट। इसकी ऐसी की तैसी, अबे बड़ी तेज चला रहा है यार, मैं गेट ही नहीं खोल पाया इसका। चलो कोई नहीं, फिलहाल अगला बंदा आओ भाई आज थोड़ा। भाई एक सेकेंड, मार्क एटलीस्ट वन एक्चुअल एरर। ओ भाई मैंने इंस्पेक्शन लिस्ट में ना बताया नहीं कि इसकी गाड़ी में फूड था, मतलब फूड तो था, रिजेक्ट तो उसे करना ही था, बट मैंने उसको लिखा नहीं कि यार हाँ। ओ तेरी भाई साहब आज तो तगड़ी कमाई होने वाली है, एक दो तीन, तीन इसकी विंडो टूटी हुई है भाई साहब, सारा पैसा तो यहीं से बन गया। पीछे का टायर भी गया हुआ है, चार चीज़ें हो गई। और गाड़ी खोलो पीछे से, इंजन काफ़ी ज़्यादा पुराना है बट इसका चला नहीं है, एक लाइट भी गई हुई है। ओके भाई खतरनाक खतरनाक, डिक्की में कुछ भर के तो नहीं जा रहा तू। एक काम करो सर, आप अपना नाम बताओ सबसे पहले तो क्या है, पहले बाहर आ जाओ आप। इन लोग को बाहर कुछ कुछ बंदे बाहर आ जाते हैं, कुछ कुछ नहीं आते। ओ भाई ये देखो ये ऊपर सीमेंट भर के ले जा रहा है। सर पहले एक काम करो, अपना मेरे को अपने पेपर्स दिखा दो ताकि मैं डिसाइड कर लूँ कि आप आगे जा सकते हो या फिर नहीं, उसके बाद हम देखेंगे हमें करना क्या है। तो यहाँ पर एक कार्गो लिस्ट में लगेज है इसके पास, इसका सीमेंट है। अभी इन दोनों को हम लोग खोल के भी चेक करेंगे क्योंकि इसने हमें बताया सीमेंट है, क्या पता हो सकता है उसके अंदर एप्पल्स हो, इसलिए उसे खोल के चेक करना पड़ेगा। फिलहाल आपका नेम मैं चेक कर लूँ, एकदम ओके है। परमिट कार्ड को हम लोग अभी इस गाड़ी के कार्ड से चेक करते हैं। ओके ये भी एकदम ओके है, एक बार ही देख लेते हैं इसका ये वैलिड है या फिर नहीं। वैलिड है सब कुछ है, पहली बात तो ये जा सकता है। अब बस एक बार ही चेक करना है कि कहीं ये मैं पागल तो नहीं बना रहा सीमेंट में फूड भर। बेटा यही मारूंगा और झूठ निकला, ठीक है ना, ऐसे मार देता हूँ मैं, बहुत खतरनाक पुलिस ऑफिसर हूँ भाई। बंदा ऐसे ही डर जाएगा, अगली बार आएगा भी नहीं यहाँ से। ओके गाड़ी की सीट वीट तो फाड़ के नहीं देखनी हमें, हो सकता है भाई ऐसे देखनी हो। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास नाइफ है ना, अपना नाइफ निकालो भाई, गाड़ी की सीट फाड़ के देखता हूँ। बट अगर इसमें नहीं निकला ना तो इसकी जो सीट का खर्चा है ना वो अब गाली बक रहा है। ओके 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 भाई मैंने उसकी सीट तो फाड़ दी बट इसमें से कुछ भी नहीं निकला, मेरे $10 कट गए। ये वाली भी फाड़ दे, अगर एक में से भी निकल गया ना सारा पैसा वसूल हो जाएगा, बट किसी में से नहीं निकला भाई, अपना नुकसान हो गया। बेटा इसमें एप्पल हो काश, अपना पैसा वसूल करना है मेरे को। कार्गो लिस्ट निकालता हूँ भाई मैं फटाफट से, यहाँ पर इसको भी हम लोग ना चेक कर लेते हैं एक बार ही फटाफट से। एक मिनट इसे अनपैक करने के लिए मैं टेबल हट हट, इसे टेबल पर मैंने भेजा है, अभी हम लोग इसे चेक करते हैं। ओके तो मैंने इसे एकदम अच्छे से चेक कर लिया है, इसको हम लोग चक्कू मार के खोल सकते हैं क्या। ओ भाई मैंने उसे सच्ची में फाड़ दिया बट इसके अंदर सीमेंट ही था भाई। ये बंदा यार सच्ची में बढ़िया बंदा था और इसका मैं खाली पीली इतना ज़्यादा नुकसान कर चुका हूँ, बट इसकी क्या दिक्कत है, नुकसान तो मेरा हो रहा है ना। लगेज दिखा यार, लगेज में से भी अगर एप्पल निकल गए ना तो अपना पैसा वसूल हो जाएगा। ये रहा इसका लगेज, ये चेक हो जाएगा क्या, हो जाओ हो जाओ हो, नहीं हो रहा यार तू जा यार, तूने बहुत ज़्यादा नुकसान करा दिया। मैं सोच रहा था कि मैं से लूटूंगा, उल्टा यही मेरे को लूट गया। ये सामान उसका वापस तू रखवाएगा भाई, तू रखवा, कहाँ चला गया, इसको वापस रखवा दे। ओके तो इसने फटाफट से उसका जो सीमेंट है भाई फटी हुई बोरी ऊपर रखवा दी है इसको। सर 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 आपके मैंने पेट वेट में चाकू भी मार दिया, रुक जाओ पहले आप अपनी गाड़ी में चले जाओ, पता चला कोई बड़ा ऑफिसर आ गया वो मेरे रैप्ट बजा रहा है गुद्दी गुद्दी पे कि ये क्या कर रहे हो तुम। ओके तो फटाफट अभी हम लोग यहाँ पर इसको बता देते हैं इसकी गाड़ी में क्या क्या दिक्कत थी। तीन इसकी विंडो टूटी हुई है, एक इसकी लाइट टूटी हुई थी, नहीं लाइट शायद इसकी दो टूटी हुई थी, और बाकी मेरे हिसाब से इसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी या फिर नहीं। मिरर्स भी साइड वाले ठीक हैं दोनों। अच्छा 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 इसकी गाड़ी का एक टायर फ्लैट था ना, फ्लैट टायर, ये जाओ सर आप जा सकते हो। यार कसम से इस बंदे ने बहुत गलत वाला नुकसान करा दिया मेरा, मैंने इसकी गाड़ी की तीन सीट फाड़ दी, उसके सीमेंट की वो भी खोल दी ताकि उसके अंदर एप्पल निकल जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें फूड नहीं था। बट मेरे ज़्यादा चलान नहीं कटा मेरा क्योंकि $120 मेरे को मिल चुके हैं, क्योंकि एंट्री मैंने एकदम वैलिड करी है, सब कुछ लिख भी दिया था और सब एकदम ओके भी था।
ये बंदा आ रहा है भाई, आ जा वैन लेकर आया भाई, सब पीली वैन, स्कूल के बच्चे तो नहीं किडनैप कर रहे इसके अंदर? रोक दे चाचा, रोक दे बाहर। ओ भैंस की बदतमीजी करेगा यहाँ के, बाहर निकल, गाड़ी से बाहर निकल। मैं गेट खोल रहा हूँ भाई, यहाँ सिर्फ मेरी चलते ठीक है ना, बदमाश बदबनी हो यहाँ पे। पहले एक बार चेक करते हैं गाड़ी में, गाड़ी तो भाई ऐसे लग रहा है अभी शोरूम से निकाल के ला रहा है, एकदम मेरे को ओके लग रहा है। साइड मिरर्स नहीं है गाड़ी के, साइड मिरर्स कहाँ पे है? साइड मिरर नहीं है गाड़ी में। इधर कुछ, ओ भाई साहब काफ़ी सारा सामान ले जा रहा है ये तो। खोल के चेक करेंगे इसको अच्छे से। बाकी पीछे का वो जो बोनट होता है वो भी इसकी गाड़ी का उड़ा हुआ है, सॉरी गाइस बोनट नहीं बम्पर। और ये अपनी गाड़ी में सॉल्ट ले जा रहा है, और सॉल्ट भी फूड वाला आइटम ही है एक हिसाब से। और इसकी गाड़ी के टायर्स तो एकदम ओके हैं, ये वाला भी ओके है टायर, टायर पीछे वाला एक खराब है। एक इसका टायर हो गया, एक साइड मिरर हो गया, सॉरी साइड मिरर दोनों हो गए, दो साइड मिरर दो टायर। तो फटाफट से पहले मैं अपनी इंस्पेक्शन लिस्ट पर लिख लेता हूँ। अबे तेरी ऐसी की तैसी, मेरे को पहले तू अपने पेपर्स तो दे भाई साहब, पता चला इसे रिजेक्ट ही करना हो यहाँ से। कार्गो लिस्ट में है इसके पास वाइन बैरल, सॉल्ट सैक, फर्टिलाइजर, चीज़ क्रेट, वैसे वापस जाने वाला है, ऑलमोस्ट सारा ही फूड आइटम इसके पास है। इंस्पेक्शन में खोल के मैं देखता हूँ, इसके दोनों साइड मिरर नहीं है, साइड मिरर एक दो, एक फ्लैट टायर है, और गाड़ी की लाइट्स वगैरह एकदम ओके है, विंडो एकदम ओके है, बाकी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और भाई सब जी आप अपने पेपर्स तो चेक कराओ, पेपर्स नहीं चेक करे तो। हाँ बंदे का नाम एकदम ओके है, परमिट कार्ड से मैच हो चुका है, रजिस्टर इससे भी एकदम मैच है, बाकी इसका जो ये परमिट कार्ड है वैलिड है या फिर नहीं, ओके ये भी वैलिड है, ये जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं क्यों जाएगा भाई, फूड ले जा रहा है ना, रुक जाओ मैं इसमें लिखता हूँ ना रीज़न कि क्यों ये वापस जाएगा। सब कुछ इस बंदे का एकदम ओके है, बस इसकी डेली रिस्ट्रिक्शन गलत है, ठीक है। अभी फटाफट से गाइस हम लोग इसे यहाँ से वापस भेज देते हैं, अभी मेरे पैसे नहीं कटने चाहिए ठीक है, क्योंकि मैंने एकदम सही चेकिंग करी है भाई इस बारे। और इसके पेपर चेक करते करते रात हो चुकी है, और अभी पीछे भाई लाइन से तीन गाड़ियाँ लगी हुई है भाई, आज बहुत ज़्यादा काम है। भगा इसको जल्दी से, निकाल 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 जल्दी। ओ तेरी, पीछे वाले गेट उसके खुले ही रह गए, मेरे को बस ये देखना है कि मेरे पैसे कटते हैं या फिर नहीं, प्लीज़ यार कटने नहीं चाहिए। अरे ये बीच में किसने गिरा रखा है, इसको साइड करो यार, पहले तो पता नहीं। ओ भाई एकदम परफेक्ट चेकिंग करिए तुम्हारे भाई ने, एक रुपया नहीं कटा, मेरे को पहले से साइड करना पड़ेगा। मैं साइड जाना तेरी ऐसे, निकल यहाँ से साइड, रुक जाओ इससे साइड करूंगा इसको, साइड निकल यार, ये अलग ही आइटम है। ओके फिलहाल यहाँ पर मैंने इस VLC मीडिया प्लेयर को लात मार मार के साइड कर दिया है, यहाँ पर एक ट्रक ओवर आ चुका है, फटाफट से हम लोग यहाँ पर इसका बटन दबाते हैं। आजा भाई आजा जल्दी आजा, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, भेड़िया भेड़िया आगे मेरे को काटेंगे, जल्दी कर यार इतना टाइम लगा रहा है, इसकी ऐसी कैसी लाइट तोड़ दूंगा, जल्दी ला आगे ला भाई साहब। वेट चेक कर लेता हूँ पहले मैं इसका, ताकि कार्ड पे मेरे को दोबारा 3800 परफेक्ट होगा। बट ड्रम ही ड्रम भर के ले जा रहा है, क्या है इस ड्रम में, क्या है खुद नहीं बताया, वैसे वो खुद ही चेक करना पड़ेगा। आप एक काम करो सर, अभी क्या बात भी नहीं करे, बाहर आ पहले, बाहर आ जा, बाहर आ जा, रात का टाइम है, ऊपर से ट्रक ड्राइवर है, पता चला मेरे को ही मार के भगा दे अपना ट्रक। फिलहाल मैं पहले ना लाइट जला लेता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा है। हाँ सर अब अपने पेपर्स दिखाओ आप, अभी हम लोग इसके पेपर पहले चेक करते हैं, बंदा काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसकी कार्गो लिस्ट में पेट्रोल बैरल है, पेट्रोल कोई फूड नहीं है पहली बात, जा सकता है। सैवदा नेम इसका भाई, बड़ी स्लो क्यों चेक हो रहा है भाई, यहाँ से हम लोग इसका नेम चेक करवा लेते हैं, ये भी एकदम परफेक्ट है। बाकी सर आप जाओ, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं चेक कर लेता हूँ, साइड मिरर एकदम ओके, आगे वाला बम्पर भी, भाई ट्रक तो भाई एकदम चमक रहा है यार इसका नया वाला। और आज पूरी नाइट लगानी पड़ेगी यार थोड़े बहुत मजे लेने के चक्कर में इस ट्रक को। गाइस ये जो बैरल है ना, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता इसके अंदर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले जा रहा हो पेट्रोल के नाम पे। तो अभी मुझे ना इन सबको अनपैक करने के लिए ना वहाँ पर भेजना पड़ेगा। चलो भाई चलो, सारा आइटम अभी अनपैक करके हम लोग देखने वाले हैं, सारा आइटम मैं लेकर टेबल पे। चक्कू निकालू किससे निकालू, ये मैंने मारा, पेट्रोल गिर, अबे नहीं है इसमें पेट्रोल लग रहा है, वो भाई खुला खुला खुल तो रहा है पर, अच्छा इससे नहीं, क्रोबार से खुलेगा शायद, रुको इससे खुलेगा, वो तेरी भाई है तो पेट्रोल ही, यहाँ भी पेट्रोल है, इसके अंदर दिखा खुल, पेट्रोल है, इसके अंदर भी पेट्रोल है, इसके अंदर देख लेता हूँ एक बारी, इसके अंदर भी पेट्रोल है, सब एकदम ओके यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बंदा जा सकता है। सारे चेक कर लेता हूँ, क्या पता लास्ट वाले में कुछ और हो। ओके गाइस तो अभी मैंने ना सारे ड्रम बैरल चेक कर लिए हैं, सबके अंदर ही भाई पेट्रोल है, तो अभी हम लोग इसको जो है वापस भेज देते हैं। अपनी जो लिस्ट है ना इसे मैं बाहर निकाल के सब पे अपना मार्क लगा देता हूँ, ये भी एकदम ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। सर फटाफट से इसका जितना सामान है ना आप वापस रखवा दो, ये देखो मेरे पहुँचने से पहले ये बंदा रखवा देता है। सर जाओ यार जाओ, आपके गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, पहला बंदा मिला एकदम परफेक्ट, जाओ डायरेक्ट एंट्री, कोई दिक्कत। वैसे इसका परमिट वैलिड था या फिर नहीं, मैंने चीज़ वो चेक नहीं करी, अभी पता चल जाएगा हमने क्या गलती करी है, कुछ ना कुछ तो देखो गलती होगी। जा वो पेट्रोल ही था ना, वैसे पता चला कुछ और ही था, वो इसको जाने देते, देखते पैसे कटेंगे हमारे तो ठीक है नहीं। ओके एकदम सही था भाई, ये बंदा परफेक्ट था भाई। ओके तो शायद से लास्ट एक ट्रक और रह गया भाई, जल्दी ले, मुझे भी सोने जाना है।
आज यार देखो सुबह से ड्यूटी करने नहीं आया ना, सुबह भी इतना ज्यादा काम करा और रात में भी। अबे ये कहाँ लेकर जा रहा है भाई? हेलो तेरी ऐसे कितनी ये क्या करवा रखा है बे? लगी मोटिफिकेशन में इसका ट्रक टूटा हुआ है या फिर है ही ऐसा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऐसा तो कंपनी वालों ने नहीं दिया होगा इसका ट्रक। ओ भाई टूटा हुआ है, देखो इस साइड से एकदम परफेक्ट है भाई, बड़ा ही गंदा डैमेज है। तो इसका तो लंबा चालान कटने वाला है। एक ये हो गया और दूसरा इसका ट्रक है भी बहुत पुराना सा यार। पीछे वाली साइड पर हम लोग एक बार ये चीज़ चेक करते हैं, सब कुछ एकदम ओके है। ये कहाँ को ले जा रहा है? व्हीकल वेट मैं चेक कर लेता हूँ कितना है। 3830 मेरे हिसाब से ओके होगा इस गाड़ी के हिसाब से। सर आप भार मत आओ, आप बढ़िया बंदे लग रहे हो। हाँ पेपर्स तो अपने ओके, तो फटाफट से मैं पहले इसके पेपर्स लेता हूँ। लाओ मेरे हाथ में दे दो पेपर। अभी हम लोग चेक करते हैं कार्गो लिस्ट में इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक काँव है और काँव फूड में नहीं आता कोई। तो हम लोग फटाफट से इसको मैच करते हैं। ये भी एकदम मैच कर रहा है। परमिट है ही नहीं भाई साहब के पास यार, इसको जाने दूं क्या एक बारी में? बाकी कार्गो लिस्ट में मैं लिख लेता हूँ। गाय को खोल के नहीं चेक करेंगे भाई हम लोग, गाय एकदम ओके है भाई, रियल है वो, कोई रोबोट नहीं है वो। मैंने इसे चेक करने के लिए कोई भेज दिया वापस रखवा भाई, पागल है क्या तू? इसको वापस रखो एक बारी, बस मैं इसे मार्क कर लेता हूँ इसमें। हाँ ये हो चुकी है कांव, ठीक है। सर आप जाओ यार, आपकी गाड़ी में कुछ है नहीं। ओ एक सेकेंड, अभी मैं भूल जाता, इसकी गाड़ी टूटी हुई है, डिफेक्टेड बॉडी वॉक, ठीक है। बाकी इसकी गाड़ी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। सर आप जाओ, मुझे पता नहीं है कि इसके पास वैलिड परमिट है मतलब नहीं है, तो मैं इसे जाने दूं या फिर नहीं, बट जाने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स गो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपके बीच में बाल आ जाए तो थोड़ी बढ़िया हो जाएगी लुक। चलो कोई नहीं निकलो। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल ये भी अपना जा चुका है और इस बार भी हमारे पैसे नहीं कटे और आज की ड्यूटी खत्म हो चुकी है भाई। नाइट लगा दी आज तो मैंने अपनी पूरी की पूरी। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से जल्द कैसे होते हैं, बाकी काम अगले दिन करेंगे। लेट्स गो। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 400,000 लाइक के लिए, तो जिसने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग अपना डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।